जैसे मैथ्स में मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, इन सबके पर पक्का क्वेश्चन है यार। पीएस फिजिक्स और मैथ्स में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस पे जाओ। जैसे फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कुछ चार्जेस रख दिए जाते हैं ट्रायंगल पे और स्क्वायर पे, हम लोग को उसका पोटेंशियल फाइंड करना होता है। सो ऐसे क्वेश्चन यार हर बार रिपीट होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड केमिस्ट्री में यार सारे के सारे नेम रिएक्शन हो गए, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एंड इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपके जेईई मेंस के लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप यार ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कैसे कर सकते हो कम टाइम में। सो आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस में ओनली आपका विजन ये मेंटेन करके चलना है कि ओनली 40 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, बस काम खत्म। जेईई मेंस में आपके 97-98% के आप ऊपर तक पहुंच जाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और आप लोग को ये बताएं, 40 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो गए तो आपको तो बस आपके 98% से भी ऊपर बन जाएंगे। ओके, तो यार अब ये करें कैसे? अब मैं फर्दर चीज़ों को और डिवाइड करता हूँ। ओके, ये 40 क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से हम कैसे कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है यार केमिस्ट्री तो बहुत ही ईजी आती है जेईई मेंस में, पूरी एनसीईआरटी रहती है पूरी पूरी। तो यार केमिस्ट्री में मैं ये कहूँगा कि यार 16 से 18 क्वेश्चन करो। ओके, 16 से 18 के क्वेश्चन के बीच में करो, 18 अगर हो जाते हैं तो बढ़िया है, लेकिन 16 से ऊपर ही करना। ओके, 16 तो हाँ मिनिमम है, बाकी मैथ्स में से 12 कर लो और फिजिक्स में से 12 कर लो। अब यार बस इन क्वेश्चंस में से कटौती मत करना, 12 के 12 तुमको सही करने हैं बस, फिजिक्स में से भी और मैथ्स में से भी। ओके, सो फिजिक्स में होगा 12, मैथ्स में होगा 12 और केमिस्ट्री में होगा तुम लोग के 16। अब यार ये कैसे सही करोगे? तो 16 + 12 + 12 कितना हुआ? 40 क्वेश्चन हो गए आप लोग के। ओके, बस आपको यही विजन मेंटेन करके चलना है, 160 मार्क्स इजीली आओगे। 14 × 4 करो कितना हुआ? 160 हो गया ना। अभी तक यार जो कि बेस्ट टॉपिक्स है जिनसे आप क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते आए उनको यार और अच्छे से होके करो, अगर मिस्टेक हो रही है तो और उसको और शार्पन करो उन चीज़ों को। ओके, और भी ज़्यादा मॉक पेपर प्रैक्टिस करो। एंड केमिस्ट्री में यार सारे के सारे नेम रिएक्शन हो गए, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं। और बाकी द सॉलिड स्टेट से ले लो, बाकी सॉलिड स्टेट से ले लो, ऑर्गेनिक यार आराम से तुमको 6 से 7 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ले लो। तो यार इन सब के यार अगर तुमने नोट्स बना के एक महीने से पहले से ही अगर कर रहे हो तो इजीली यार तुम केमिस्ट्री में 18 क्वेश्चंस तो आराम से ले जाओगे, 18 से 20, उससे ऊपर ही आप लोग इजीली कर सकते हो, अच्छे खास आपने पढ़ाई कर रखी है तो। सर इन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी केमिस्ट्री के, इजीली 16 से 18 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं मैथ्स और फिजिक्स की ओर। सर फिजिक्स और मैथ्स के लिए मैं बस यही कहूँगा, जो अभी तक टॉपिक्स करते आए हो बस उन्हीं पे प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, जैसे मैथ्स में मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया, इन सबके पर पक्का क्वेश्चंस कर लेना। और बाकी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है सबसे इससे आसान टॉपिक तो हो नहीं सकता है, तो इसको कंफर्म कर लेना। तो यार कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढो जो अभी तक करता है उन्हीं पर प्रॉब्लम सॉल्व करो, सो इजिली आपके 10 से 12 सवाल इजिली हल हो जाएंगे। देखो ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करना, फिर माइनस मार्किंग है उससे और आपके मार्क्स जो है डिप्लीट होने लगेंगे। तो हम लोग का मेन फोकस ज़्यादा क्वेश्चन करना नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन को सही करना मेन फोकस है। ओके, 12 ही करो, 10 ही सवाल करो लेकिन सही करो। ओके, एंड यार प्लीज फिजिक्स और मैथ्स में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस पे जाओ। जैसे फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कुछ चार्जेस रख दिए जाते हैं ट्रायंगल पे और स्क्वायर पे, हम लोग को उसका पोटेंशियल फाइंड करना होता है। सो ऐसे क्वेश्चंस यार हर बार रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को यार प्लीज मत छोड़ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ क्वेश्चंस ले लो। सर इन सब के यार ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखो जो हर बार रिपीट हो रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे। ओके, सर बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो इस बार भी रिपीट होंगे। सर ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इन्हीं पे आपका मेन फोकस रहेगा और इजिली आप 10 से 12 सवाल ही आपका मेन फोकस रहेगा फिजिक्स और मैथ्स में। ओके, ज्यादा क्वेश्चन के पीछे मत भागना, क्योंकि जरा से भी कहीं गड़बड़ हुई तो उसमें माइनस मार्किंग है, आप लोग को बताइए। सर फिजिक्स और मैथ्स में आपका मेन फोकस और मेन स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि यार 12 क्वेश्चन करो, एकदम से सही करो, टाइम दो लेकिन सही करके आओ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके, और केमिस्ट्री में बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में, जितने भी हो 16 के ऊपर कर डालो। तो 16 + 12 + 12 कितना हुआ? 16 + 24, हम लोग का इजली 40 आ रहा है, तो 4 × 40 करो कितना हुआ? 160 मार्क्स होगा। अब इजली आपको यहाँ पर 98% प्लस हो जाएगा और कोई ना कोई अच्छा खासा एनआईटी मिल जाएगा। तो ये हम लोग की मेन स्ट्रेटेजी है। ओके, सो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया कि कैसे लास्ट टाइम पे आपको मेहनत करनी है। कुछ बच्चे होते हैं लास्ट में एकदम जुड़ जाते हैं, सर साल भर उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी होती है, लेकिन वो कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस उनको करते हैं, उनके काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। ओके, अच्छे से एकदम फ्री माइंड होकर अपना अच्छे से पेपर देना, बस हो जाएगा सब कुछ। ओके, सो एकदम अच्छे से पूरा फोड़ देना चाहिए मेंस। सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो में। सर अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ऐसी अच्छी वीडियोज मैं बनाता रहता हूँ। So, friends, thanks for watching this video. मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो में। Till then, bye bye.